नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। हरियाणा सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए जनरल स्टडी एमसीक्यू सीरीज हमने स्टार्ट की थी। अभी तक हम 4 सेट हैं लगा चुके हैं, तो वो आपने वीडियोस नहीं देखे हैं और पीडीएफ्स नहीं डाउनलोड किए हैं तो सबसे पहले वो आप डाउनलोड कर लीजिए और उनके साथ प्रैक्टिस कीजिए। तो ये सेट नंबर 5 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन शामिल किए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। तो चलिए सेट नंबर 5 हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। 50 क्वेश्चन है, प्रत्येक टेस्ट में 50 क्वेश्चन होते हैं। आपने 4 सेट वो देख लिए होंगे, नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो सारे सबसे पहले आप देख लें, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया, किस बात को महत्व दिया? रचनात्मक कार्यक्रम को, हिंसा के सीमित उपयोग को, अंग्रेजों से समझौते को, या अपने परिवार को? तो रचनात्मक कार्यक्रम को जो है इन्होंने क्या है महत्व दिया, इम्पोर्टेंस दी, ठीक है, समझ आ गया, ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? 1935 का अधिनियम, 1932 का, 36 का, या फिर 47 का? तो राइट होगा 1935 के अधिनियम के तहत है। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित किस अधिनियम के तहत हुआ? तो ये 1935 अधिनियम के तहत, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? लाला हरदयाल, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, या वी डी सावरकर? तो सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है, सी इसमें राइट होगा आपका, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी। भारतीय संविधानता विधेयक को राजकीय स्वीकृति कब प्राप्त हुई? 18 जुलाई 1947 को, 19 जुलाई 1947 को, 20 जुलाई 1947 को, या फिर 21 जुलाई 1947 को? तो 18 जुलाई 1947 को जो है संविधानता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्रदान हुई, इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। चलिए, सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? मनुस्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, या आपको एक ऑप्शन में एक चीज़ और मिल जाएगी, ये क्या जो यज्ञ वालक्य स्मृति है। तो क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा, 5 था, ठीक है। तो मनुस्मृति जो सबसे पुरानी स्मृति है, ठीक है, मनुस्क्रिप्ट जैसे बोलते हैं, मनुस्मृति, ए राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व की विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, या फिर इस्लाम धर्म? तो जो जैन धर्म है वो विश्व की विनाशकारी प्रलय की अवधारणा पे विश्वास जो है नहीं करता है, ठीक है। जैन धर्म दो भागों में बटा था, ये आप सब जानते ही होंगे, श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है, दिगंबर जो कपड़े नहीं पहनते वो दिगंबर, और श्वेत कपड़े वाले श्वेतांबर कहलाए थे, ठीक है। पहले जो जैनी थे वो कौन थे? जो पहले जैन धर्म के जो पहले जैन तीर्थकर थे वो कौन थे? पार्श्वनाथ थे, ठीक है, और 24वें महावीर स्वामी वही थे। चलिए, बौद्ध संरचना धार्मिक स्तूप कहाँ पर है? सारनाथ में, सांची में, कोणार्क में, या फिर महाबलीपुरम में? कहाँ पर है ये? तो ये है सारनाथ के अंदर, ठीक है, ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? भागवतों ने, वैदिक आर्यों ने, तमिलों ने, या फिर आभीरों ने? तो सबसे पहले भागवतों ने जो है वासुदेव कृष्ण की पूजा स्टार्ट की थी, ए राइट होगा। किसके शासनकाल में प्रसिद्ध मंगोल चंगेज खान ख्वारिज्म के राजकुमार जलालुद्दीन का पीछा करते हुए भारत की सीमाओं तक आया था? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक, या इल्तुतमिश? तो किसके टाइम की हम बात करें, किसके शासनकाल में आया था वो? इल्तुतमिश के, डी राइट होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, अमीर खुसरो के खजेन उल फुतुह में किसके सैनिक अभियानों का विवरण है? दक्षिण भारत के मलिक काफूर, मेवात प्रदेश में सुल्तान बलबन, या फिर गुजरात में मोहम्मद
तुगलक या फिर उड़ीसा में फिरोज शाह तुगलक। तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात हो रही है, तो इसके अंदर राइट आंसर आपका होने वाला ए, दक्षिण भारत के मलिक काफूर। ठीक है, अभियानों का विवरण है, सैनिक अभियानों का। क्वेश्चन नंबर 11 है, राजकीय मुकुट का प्रत्येक मोती गरीब किसान की असुरपुरती आंखों से ही गिरी हुई रक्त की घनी भूत बूंद है। दिल्ली सल्तनत काल में भारतीय किसानों की गरीबी पर यह टिप्पणी किसने की? बर्नी ने, इब्न बतूता ने, या मिनहाजुद्दीन सिराज था, या फिर अमीर खुसरो ने? तो ये अमीर खुसरो ने की थी टिप्पणी। ठीक है, अगला है, वह कौन सा पुर्तगाली गवर्नर था जिसने भारत में 1511 में कृष्ण देव राय के साथ मित्रता की संधि की थी? वास्को डिगामा, या फिर अलब्रुक, या फिर डी अल्मीडिया, या फिर नीनो डॉक्टर कुन्हा? तो राइट है अलब्रुक। ठीक है, बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो सोमेश्वर की पहाड़ी है वो चंपारण जिले में है, सी राइट होगा। भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच माध्यम समय में अंतर कितना पाया जाता है? 4.5 घंटे, 5.5, या फिर -5 घंटे, 5.5 घंटे, या फिर -4.5 घंटे, मतलब प्लस माइनस कितना जो है पाया जाता है? तो 5.5, प्लस 5.5 घंटे का। ठीक है, बी राइट होगा, इसमें अंतर पाया जाता है। लावा मिट्टियाँ पाई जाती हैं छत्तीसगढ़ मैदान में, सरयू पार मैदान में, या फिर मालवा पठार में? तो ये जो मिट्टियाँ हैं ये मालवा के पठार में पाई जाती हैं। ठीक है, सी राइट होगा, समझ आ गया, मालवा के पठार में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 तक हो चुके हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। मृदा अपरदन, जो भूमि का जो अपरदन होता है, कटाव होता है, वो रोका जा सकता है अति चराई द्वारा, वनस्पति के उन्मूलन द्वारा, वनारोपण द्वारा, पंछी संख्या में वृद्धि। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सब जानते हैं जितने पेड़ पौधे लगाएंगे तो उतना ही मिट्टी का कटाव है, मृदा अपरदन कम होगा। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? हिडलवर्क मानव, क्रोमेनगरन मानव, पिल्टडॉन मानव, या फिर नियंडरथल मानव? तो इनमें से जो क्रोमेगरन मानव है वो नवीनतम समझा जाता है, बी राइट होगा। निम्न अक्षांशों उत्तरी तथा दक्षिणी में, लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात हो रही है यहाँ पे, उत्तरी तथा दक्षिणी में किससे आप हॉर्स अक्षांश से संबंध करेंगे? 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, या फिर 23 डिग्री? तो 30 डिग्री जो है हॉर्स अक्षांश से संबंध करेंगे, ए राइट होगा। कोलपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित? अंडेमान निकोबार द्वीप में, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, या फिर सिक्किम के अंदर? तो ये है अंडेमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, चलिए, ए राइट होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? रूस, तो सीधी सी बात है रूस तो सबसे बड़ा है। ठीक है, फिर ब्राजील है, कनाडा है, या फ्रांस? तो इनमें से तीन तो भारत से बड़े हैं, एक ऐसा है जो भारत से बड़ा नहीं है, वो है फ्रांस। रूस बड़ा है, ब्राजील बड़ा है, और कनाडा भी बड़ा है। ठीक है, भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है, किस चीज का उत्पादन करता है आवश्यकता से अधिक? चाय का उत्पादन करता है, या फिर अनाज का, पेट्रोलियम का, या पेट्रोसाइन? ये तो सारी चीजें जो है पेट्रोलियम वाली तो हम बाहर से ही मंगवाते हैं, तो चाय का सबसे अधिक जो है उत्पादन करता है आवश्यकता से अधिक। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण क्या है? आवश्यकता से अधिक लोगों को कृषि कार्यों में लगा रहना, जोत का छोटा आकार, उत्पादन की पिछड़ी तकनीक, या उपरोक्त सभी? तो ये सारी बातें हैं, डी राइट होगा, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता? लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, या मंत्री परिषद? तो राज्यसभा होती है जिनमें से एक जो अध्यक्षता है वो उसका सदस्य नहीं होता, तो राज्यसभा का अध्यक्ष वो उपराष्ट्रपति होता है, अभी वर्तमान में एम वेंकैया नायडू हैं। निम्नलिखित में से कौन से अपने पद की शपथ नहीं लेता? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या फिर स्पीकर?
तो राष्ट्रपति भी लेता है, आप सब जानते हैं, उपराष्ट्रपति भी लेता है, प्रधानमंत्री भी, स्पीकर नहीं लेता, लोकसभा स्पीकर वो खुद ही ले लेता है अपनी शपथ, कोई उसको दिलाता नहीं है। ठीक है, संविधान के किस आर्टिकल के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है, आर्टिकल कौन सा है इसके अंतर्गत? तो हम इसमें आर्टिकल 43, 43A, 45 या 47, तो राइट आंसर आपका होगा 43A, बी इज़ द राइट आंसर। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? उद्देशिका और मूल अधिकार, उद्देशिका और राज्य के नीति निदेशक तत्व, मूल अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो राइट होगा इसमें उद्देशिका और राज्य के नीति निदेशक तत्व, इसके अंदर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 26 तक हमारे हो चुके हैं, अब 27 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? संविधानिक मशीनरी की विफलता, आक्रमण, इंटरनल जो आंतरिक अशांति, युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 27 देख रहे थे हम, ठीक है, चलिए एक सेकंड। हाँ तो राइट होगा युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा शस्त्र विद्रोह। ठीक है, इन परिस्थितियों में जो है 352 लगाया जाता है। निम्न में से कौन एक रीट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध या फिर अधिकार परीक्षा। तो राइट आंसर होगा इसके अंदर प्रतिषेध, प्रोहिबिशन जो बोलते हैं हम उसके बारे में हो रहा है। यदि एक दी हुई समय अवधि में कीमतें और मौद्रिक आय दोनों दुगुनी हो जाए, डबल हो जाए, तो वास्तविक आय पे क्या असर पड़ेगा? तो इसके बारे में हम बात करें तो वो अपरिवर्तित रहेगी, चेंज नहीं होगा उसमें कुछ भी, सी राइट होगा। पद राष्ट्रीय आय निरूपित करता है, बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद और मूल्य ह्रास घटाकर, बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य ह्रास घटाकर, विदेश से प्राप्त निवल कारक आय जोड़कर, बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य ह्रास और अप्रत्यक्ष करों को घटाकर या फिर सब्सिडी जोड़ देते हैं, बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय घटाकर। तो इनमें से हम बात करें कि पद राष्ट्रीय आय निरूपित करता है, तो राइट होगा इसमें बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य ह्रास और अप्रत्यक्ष करों को घटाकर और सब्सिडी जोड़कर, तो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 है, ये विचार कि भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों को देना चाहिए किसने व्यक्त किया था? अमर्त्य सेन ने, या फिर यशवंत सिन्हा ने, या अटल बिहारी वाजपेयी ने, या फिर मनमोहन सिंह ने? क्वेश्चन नंबर 31, तो ये अमर्त्य सेन ने कहा था, ठीक है, ए राइट होगा। भारत के किस राज्य ने मानव विकास प्रतिवेदन का प्रकाशन सर्वप्रथम किया? हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश? तो राइट होगा मध्य प्रदेश, ठीक है। चलिए अगला है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? प्रतिस्पर्धा पे, न्यास पे, राज्य स्टेट कंट्रोल पे, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट होगा इसमें न्यास पर, ठीक है। भारत में योजना के आरंभ से किसी भी पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या कितनी है? 6, 7, 5, 3, तो राइट होगा 6 वर्ष पंचवर्षीय योजना, ठीक है, हो गया। अभी नीति आयोग आ गया है, पंचवर्षीय योजना बंद हो चुकी है। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जो प्रकाश की गति है वो वैसी ही रहती है, उसमें कोई चेंजेज नहीं आता है, सी राइट होगा। क्वेश्चन 36, आपतन का कोण किन के बीच का कोण है? आपतन का जो कोण है वो किन के बीच का है? तो सतह पर अभिलंब तथा आपतित किरण का, इसमें सी राइट होगा आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 तक हमारे हो चुके हैं, अब बात करेंगे 37। पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन जो है, हम बात करें पृथ्वी पर जो अधिकांश ऑक्सीजन है वो किससे उत्पादित होता है? घास से, शैवालों से, वृक्षों से, या धान के खेतों से? तो आप सब जानते हैं, इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है, किससे होगा? शैवालों से होगा या वृक्षों से होगा? ज़्यादातर बच्चे इसमें जो है क्या करेंगे, वृक्ष करेंगे।
लेकिन राइट होता है इसमें शैवालों से। ठीक है, मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, मतलब कोष्टक, कई, चार, दो, तीन। तो ये भी बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, दो कोष्टक होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 की हम बात करते हैं, कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है, इंसुलिन, एड्रिनेलिन, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन। तो ये कहलाता है एस्ट्रोजन, सी राइट होगा इसमें, सॉरी, ठीक है, एड्रिनेलिन होता है, ठीक है, मतलब बी राइट होगा इसमें। ठीक है, चलिए बी राइट है। अगला है, स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात निम्न में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है, तो जो प्रोजेस्टेरोन है वो, और एस्ट्रेजोन, दोनों ही ये जो हार्मोन की कमी समाप्त हो जाते हैं। तो इसमें ए और सी दोनों आप कर देना, ठीक है, ए और सी दोनों ही आएगा इसका, ये भी है और ये भी है। क्वेश्चन नंबर 41, ग्लेशियर में बर्फ हमेशा निम्न में से कहाँ से पिघलता है, ऊपरी स्तर से, सबसे निचले स्तर से, बदलते रहता है, मध्य के स्तर से। तो ये जो है सबसे निचले स्तर से जो है पिघलना स्टार्ट होता है। फारेनहाइट स्केल पर पानी का क्वथनांक क्या होता है, 100 होता है या फिर 212, 273, 373। तो राइट होगा इसके अंदर आपका 212, ठीक है, बी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम कुशलता पूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, तो सौर ऊर्जा को जो रासायनिक ऊर्जा में आसानी से कन्वर्ट कर दे वो क्लोरेला होता है, ठीक है, ए राइट होगा इसमें। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस अनिवार्य है, प्रिंटर, स्कैनर, वेबकैम या माउस। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए आप सब जानते ही हैं कि प्रिंटर, स्कैनर, माउस का कोई मतलब नहीं है, हमें क्या चाहिए, वेबकैम चाहिए। क्या चाहिए, वेबकैम। तो सी राइट होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह जिसमें कीड़े मकोड़े भी शामिल हों, एनिलिडा या प्लेटी हेलमिंथ या फिर एस्केलमिंथ या फिर आर्थोपोडा। क्वेश्चन नंबर 45 राइट आंसर होगा आर्थोपोडा। मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होती है, नत्रजन, जिंक, कॉपर या मैग्नीज। तो ये जो कमी है वो होती है जिंक की वजह से। निम्न में से किस खेल में खिलाड़ियों की संख्या 7 नहीं होती, वाटर पोलो, कबड्डी, खो खो। तो किस में नहीं होती, तो खो खो में नहीं होती है, बाकी में होती है। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक आप सभी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ बढ़ते हैं, भारत का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो ये स्थापित किया गया था दिल्ली के अंदर। वाचस्पति पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, हिंदी साहित्य, संस्कृत, तेलुगु साहित्य या फिर तमिल में। तो ये जो है किस में दिया जाता है, संस्कृत साहित्य के अंदर वाचस्पति पुरस्कार मिलता है। लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 1895 में शुरुआत होती है, फ्रेंच ओपन 1891, विंबलडन 1877, यूएस ओपन 1881। तो इनमें से एक गलत है, तो वो है ऑस्ट्रेलियन ओपन 1895 में नहीं होते, कब होते हैं आप कमेंट सेक्शन में ये इसका आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ये सेट नंबर 5 भी कंप्लीट होता है, इन सब की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे या इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है। पहले वो चारों डाउनलोड कर लें पीडीएफ, उनको फिर आप वीडियोज़ देखें, उन पे सारे के सारे जो आपके प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं अच्छे से, और उनको जो है हाईलाइट करके आप रख लो, ताकि बाद में उनको जल्दी से 5 मिनट में भी आप रिवाइज कर पाओ। 50 क्वेश्चन 5-7 मिनट में हो जाएंगे एक बार आपने वीडियो के माध्यम से किए हैं, तो उनको हाईलाइटर के माध्यम से उनके आंसर टिक कर लीजिए और फिर उनके जो है आप रिविज़न कीजिए अच्छे से। ठीक है, जल्दी मैं आप सबके लिए करंट अफेयर भी स्टार्ट करने वाला हूँ, तो जितना हो सके आप स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर कीजिए। ठीक है, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि आप रुचि दिखा रहे हैं, तो मैं लगातार, मैंने आप सबको बताया था कि मैं 25 सेट आपको करवाने वाला हूँ, 5 कंप्लीट हो चुके हैं आज, 20 सेट रह गए हैं और अभी आपके पास टाइम है, तो लगातार करंट अफेयर, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जीएस पे फोकस कीजिए और सी सेट की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, सी सेट आप प्रैक्टिस लगा सकते हैं, जो भी आपका न्यूमेरिक है, एप्टीट्यूड, जो थोड़ी सी कैलकुलेटिव चीज़ें आप देख लें। ठीक है, तो तमाम चीज़ों पे आपको फोकस करते रहना है, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।
और लाइक शेयर ज़रूर करें, ठीक है। चलिए, और अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम पे आपको सिर्फ़ एट द रेट जो आपका HCS है, HCS PDF 2021 विदाउट स्पेस आप करोगे तो आपको चैनल मिल जाएगा। लगभग जो 250 बच्चे इसमें जुड़ चुके हैं जो स्पेशल इसी को फोकस कर रहे हैं, तो आप भी अपनी जो है यहाँ पर जुड़ सकते हैं और कोई भी आपसे चार्जेज नहीं लिया जाता, बिल्कुल फ्री में आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाती हैं। थैंक यू।